अच्छा जी, क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ईयर है। इट्स फ्रॉम जून 2017, पेपर 1-1, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्वेश्चन में पिरामिड गिवन है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड के ऊपर फॉर्मूला गिवन है। नीचे कह रहे हैं कि भाई द डायग्राम शो द सॉलिड पिरामिड एल कट इनटू टू पार्ट्स एम एन एन। तो ठीक है जी, बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, द बेस ऑफ द पिरामिड एल इज अ रेक्टेंगल एंड द परपेंडिकुलर हाइट इज 30। वर्क आउट द वॉल्यूम ऑफ द एल। अब वॉल्यूम मुझे चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू क्या हो जाएगा, हाइट। तो 1/3 बेस एरिया किसका है जी, रेक्टेंगल का, एल इंटू बी प्लस हाइट। तो दिस शुड बी 1/3, 12 × 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, मेरे पास क्या हो जाएगा, 30। सो दी आंसर फॉर दिस वॉल्यूम विल बी 1080 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज 1080 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज पार्ट वन। फिर पार्ट टू में क्या बोला जा रहा है, द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द पिरामिड इज 1/3 एम का, द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द पिरामिड एम इज 1/3 ऑफ द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ पिरामिड। अच्छा, तो एल की जो हाइट थी वो 30 थी, तो एम की बोल दिया 30 का 1/3, तो कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा जी, 10। एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ एम एज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एल। तो उससे बोल दिया भाई वॉल्यूम ऑफ एम एज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एल। अब और उसके अलावा क्या, वॉल्यूम में हमेशा हम सिमिलर फिगर्स में ना क्यूब यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, क्यूब। एंड हमें ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ एम की हाइट 10 है और इसकी हाइट कितनी है जी, 30 है। इसकी हाइट कितनी हो गई, 30। तो हमें एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ एम एज अ फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्या चाहिए, एल चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1000। 1000 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा अपॉन 330 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा, मेरे पास 9000, राइट, और सॉरी 27000, ठीक है, कितना हो जाएगा, 27000। तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब है ना, क्योंकि और 3 अगर 0 काट दिए, 3 0 काट दिए, तो रेशियो क्या बन गया इसका, 1/27। एक मार्क का सवाल है, ठीक है, रिमेम्बर दिस, उसने खुद बोल दिया वॉल्यूम ऑफ एम एज अ फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एल। तो ऑब्वियस ही बात है, वॉल्यूम ऑफ एम और एल में निकालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, और सिमिलर फिगर में हम क्या करते हैं, हम उसकी साइड या हाइट। अब मुझे इसकी हाइट पता है, इसकी हाइट कितनी है, 30 है, और इसकी हाइट पता है 10 है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या ले लेंगे, इसकी हाइट ले लेंगे एज फ्रैक्शंस। और हमेशा वॉल्यूम के लिए क्या होता है, क्यूब यूज करते हैं। अगर वॉल्यूम नहीं होगा, एरिया होता तो हम क्या यूज करते हैं, इसमें स्क्वायर यूज करते हैं। तो वॉल्यूम बिकम्स व्हाट, 1/27। नाउ इन पार्ट 3 कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एंड। Now, you do not have any information regarding N, right? But what I know is I have the information regarding N because N is 1/27 of the pyramid L. So the volume of the pyramid L was 1080. So if I take out, मतलब कि 1080 में से जो 1/27 का फ्रैक्शन का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, तो किसका वॉल्यूम होगा, N का वॉल्यूम होगा। अगर मैं 1080 में से इसी के फ्रैक्शन का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, 1/27 करते, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 40, ठीक है। तो ये 40 किसका वॉल्यूम आ गया, एम का। अच्छा, जो एम और एन है वो बेसिकली निकले तो एक ही पिरामिड में से है ना,
वो जो ये जो एम है और ये एम है और ये जो एन है, ये निकले किससे? पूरे एल से। इसका अगर वॉल्यूम 1/1080 है और इसका 1/27 बेसिकली 40 का वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1080 -40। ठीक है, पूरे में से मुझे क्या करना पड़ेगा? 40 अगर माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो रिमेनिंग है वो आ जाएगा। तो ये रिमेनिंग किसका वॉल्यूम हो जाएगा? मेरे पास एन का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सिर्फ एक चीज करनी है, जो क्या हो जाएगा, 1080 टोटल में से 40 माइनस कर देंगे। तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? 1040 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज योर वॉल्यूम फॉर व्हाट? एन।